लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए हुआ मतदान। प्रदेश में 12 सीटों के लिए 63% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। विश्व अस्थमा दिवस आज। प्रदेश में अस्थमा रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है जानकारी। जयपुर में लोगों ने करवाई अपने श्वास संबंधी रोगों की जांच। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। कहा, रमजान का महीना सौहार्द और भाईचारे की भावना को देगा बढ़ावा। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी। अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी चलने की जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह देवल और खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े मतों के वीवीपैट मिलान के मामले में 21 विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तेलुगुदेशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और 20 अन्य दलों के नेताओं की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीवीपैट और ईवीएम के मामले में विपक्षी दलों को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। अदालत ने आज साफ कह दिया है कि एक ही मामले को आखिर कितनी बार सुना जाए, और ये कहते हुए विपक्ष की पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी। 50% वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए आज चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में अब तक लागू एक ईवीएम के वीवीपैट से मिलान को बढ़ाकर 5 कर दिया था, और विपक्षी दल इसे 50% करने की मांग कर रहे थे। We had filed earlier a petition and today a review petition by 21 parties of India which represent roughly 70-75% of the Indian electorate. We are not talking about EVMs for the present. The election is too far gone for that. This petition review and the earlier one talked of VVPAT. Firstly, friends, let me tell you that we bow down to the court order which has just now dismissed our review prayer. We failed to impress the election commission. Then we came to Supreme Court. Supreme Court has given judgment earlier increasing from 1-5. Election Commission, they didn't frame the rules also accordingly, the spirit of it. What all we are demanding, transparency in election process. Our basic interest is that the election should be fair for everyone, for every party. And that is why we went to the court about this issue, requested the court in April, and a review petition was filed. We respect the order of the Supreme Court, but we also have to take this to the people of the country and put this before them because they are supreme. लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में देश भर में 7 राज्यों की 51 सीटों पर कल मतदान हुआ। 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पांचवें चरण के बाद लोकसभा की 543 सीटों में से 424 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान रिकॉर्ड किया गया। पांचवें चरण के मतदान में यूं तो चुनाव महज 51 सीटों के लिए था, लेकिन इस चरण में राजनीतिक दावों की लड़ाई काफी तीखी रही। ये 51 सीटें 7 राज्यों तक फैली थी, जहां कई सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। इस चरण में करीब 8,75,00,000 मतदाता थे, जिन्होंने 674 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। पश्चिम बंगाल में छिटपुट घटनाओं के अलावा सभी राज्यों में आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में दोबारा मतदान कराने की मांग की है। इसी चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो गया। इसी के साथ राजस्थान में मतदान का काम पूरी तरह से संपन्न हो गया। पांचवें चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, उनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन राठौर, जयंत सिन्हा, कांग्रेस के तनुज पुनिया,
बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी, लोजपा के पशुपति पारस पासवान और टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी शामिल हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनावों के पहले पांच चरणों में 424 सीटों पर मतदान हो चुका है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 सीटों के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग, उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। कई जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिन्हें तुरंत सही कर दिया गया। दूसरे चरण में 63% से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 74.68% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि राज्य में दूसरे चरण के साथ ही सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। 66% लोगों ने मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 25,000 से अधिक बैलेट यूनिट, 23,000 से अधिक कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया गया। 96 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित 23,783 मतदान केंद्रों पर संपन्न हुआ। सामान्य तौर पर चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। राजस्थान के मतदाताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज की जो मतदान प्रक्रिया है उसमें 2,30,68,744 पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग 63.78% मतदाताओं ने मतदान किया। सबसे कम मतदान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करौली धौलपुर में हुआ है, जो कि 55% रहा, और सबसे अधिक मतदान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर का रहा है, जो कि 74.32 है। राज्य के 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सभी को मिला के अगर देखते हैं तो ये मतदान का प्रतिशत लगभग 66.12 आता है। गत लोकसभा आम चुनाव में प्रतिशत 63.11 था। गत लोकसभा चुनाव में 5 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ था। अपने यहाँ पे प्रथम चरण में कहीं पर भी कोई पुनर्मतदान जो है नहीं हुआ है, और जो सेकेंड फेज जो हुआ है स्क्रूटनी होगी सुबह 11 बजे से, तो उसके बाद कहीं पर जानकारी मिलेगी पूरा रिकॉर्ड देखने के बाद, जिसको हम अवगत कराएंगे। और आप सभी का जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे जितने मतदान कर्मी इस कार्य में लगे थे, चुनाव के कार्य में, सभी हमारे पुलिसकर्मी, सभी मीडिया के हमारे साथी और सभी राजस्थान की जनता और यहाँ के वोटर्स, जो गर्मी के बावजूद जो हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए अपना आए और उन्होंने अपना योगदान जो है इस लोकतंत्र के महाकुंभ में दिया। आज विश्व अस्थमा दिवस है। दिनचर्या में बदलाव के चलते अस्थमा के मामले प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी चिकित्सकों द्वारा लोगों को अस्थमा की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी रोगों की जांचें करवाई। जैसा कि आप सबको पता है, आज विश्व अस्थमा दिवस है और पूरे भारत, पूरे विश्व में हम इसको 7 मई को एक बार अस्थमा डे के रूप में हम मनाते हैं। आज हमें ये देखना है कि हमारे परिवार में, आसपास जितने भी जो पेशेंट हैं, वो रेगुलर अपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और इसका मुख्य कारण क्या है देखने के लिए। आजकल देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, सफाई व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है, और एनवायरनमेंट में पोलंस, घर में डस्ट माइट्स वगैरह हैं। खाने पीने में किसी चीज़ से जैसे पेशेंट को एलर्जी है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, और उसको रेगुलरली अपन जो डॉक्टर के बताए हुए ट्रीटमेंट के अनुसार इन्हेलर लेते हैं और उसको कंटिन्यूस रखें। कई बार पेशेंट क्या है कि मौसम को देखते हुए गर्मी आने के बाद उनको छोड़ देते हैं और सर्दियों में स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अपन को ये रेगुलर दवाई डॉक्टर के बताए अनुसार लेनी है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो चुका है। आज से एक महीने तक रोजेदार रोजा रखकर विशेष नमाज अदा करेंगे। आज पहला रोजा 14 घंटे से अधिक समय का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए रमजान का महीना शुरू होने की शुभकामनाएं प्रतीक्षा करते हैं। सऊदी अरब समेत सभी खाड़ी देशों में सोमवार से ही रमजान शुरू हो चुका है, लेकिन भारत में रविवार को चांद नजर नहीं आने की वजह से इस बार 7 मई से रमजान का रोजा रखा जा रहा है। लोग रमजान का पूरा महीना इबादत और अन्य नेक कामों में गुजारते हैं। इस महीने में उपवास रखने का मकसद आत्ममंथन करना, सब्र करना, गरीबों, बेसहारा लोगों, असहाय बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों की मदद करना भी है। हमारे अंदर जो भूख की हालत में एक ऐसी कैफियत पैदा होती है
कि भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, इससे हमें गरीबों का ख्याल भी पैदा होता है कि गरीबों पर क्या गुजरती है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो रमज़ान का महीना रोज़े का भी है, तरावी का भी है, और मुकम्मल तौर से अपने आप को अल्लाह ताला के इबादत के लिए तैयार करने का महीना भी है कि जिसमें हलाल कमाई पर इफ्तार हो, हलाल कमाई हमारी सहरी हो, हलाल कमाई हमारी हो जिसमें कोई नाजायज़ कमाई शामिल ना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होने की बधाई दी, साथ ही उम्मीद जताई कि ये पवित्र महीना हमारे समाज में सौहार्द, खुशी और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाए। अक्षय तृतीया पर आज राजधानी जयपुर में अबू सावों का दौर चल रहा है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस मौके पर सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि विवाह पर होने वाले अनावश्यक खर्च और बाल विवाह को रोका जा सके। अक्षय तृतीया का अबू सावा रहता है और बद्रीनाथ के कपाट इस समय खुलते हैं, परशुराम जयंती रहती है, मतलब हमारे जितने धार्मिक हिसाब से अक्षय तृतीया का महत्व ज़्यादा है। सामूहिक विवाह का मेन उद्देश्य हमारा है कि समाज में जो भी फिजूल खर्ची बढ़ रही है इसको जितना हो सके वो उतना हम लोग रोक सकें और सबका सामूहिक रूप से कर सकें। तो उसमें कई गरीब परिवार हैं और हैं जो आर्थिक खर्चा वहन नहीं कर पाते, उन लोगों को सहायता समझो या लोगों को प्रोत्साहन समझो, इस कारण से हम लोग करते हैं। वो काफ़ी हद तक होने लगा है, प्रयास हम लोग यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करें। आईपीएल सीजन 12 का पहला फाइनल क्वालिफायर मैच आज चेन्नई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच होने वाले एलिमिनेटर के विजेता के खिलाफ दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। मुंबई ने जहां इस सीजन में खेले गए कुल 14 लीग मैचों में 9 जीत के साथ अंक तालिका। अलवर के थानागाजी में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर लोगों में रोष है, इसके लिए आज सर्व समाज की बैठक का आयोजन कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। गौरतलब है कि विगत 26 अप्रैल को बाइक पर जा रहे पति पत्नी को रोककर मारपीट की गई और पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। थानागाजी पुलिस की ओर से 2 मई को मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। लगभग सभी स्थानों पर तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक तापमान चूरू में 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी जयपुर में 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। वीवीपैट पर पुनर्विचार याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने 21 विपक्षी दलों की याचिका को किया खारिज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों के लिए हुआ मतदान। प्रदेश में 12 सीटों के लिए 63% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। विश्व अस्थमा दिवस आज, प्रदेश में अस्थमा रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सकों द्वारा दी जा रही है जानकारी। जयपुर में लोगों ने करवाई अपनी श्वास संबंधी रोगों की जांच। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, कहा रमजान का महीना सौहार्द और भाईचारे की भावना को देगा बढ़ावा। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश स्थानों पर तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी चलने की जताई संभावना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।